हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय फार्म मशीनरी एंड पावर क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 11.11 के पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे सोबिन एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं सोबिन एंड जो प्लांटिंग इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, जो हमारे सोबिंग और प्लांटिंग इक्विपमेंट्स हैं, सीड ड्रिल्स और सीड क्यूम फर्टिलाइजर ड्रिल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो और जो हमारे बचे हुए इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सीड ड्रिल्स है उसमें जो हमारा सीड मेटरिंग मैकेनिज्म है वो कई टाइप्स के थे। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था सीड ड्रिल्स। ठीक है, उसमें सीड मेटरिंग मैकेनिज्म उपयोग में आया था। ठीक है, तो सीड मेटरिंग मैकेनिज्म क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले सीड मेटरिंग मैकेनिज्म होता क्या है, तो हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि सीड को सीड बॉक्स से फरो ओपनर्स के बीच में सीड को छोड़ना ही सीड मेटरिंग का काम होता है। ठीक है, द सीड मैकेनिज्म, सीड मेटरिंग मैकेनिज्म क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ अ सीड ड्रिल आर फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूटर विच डिलीवर सीड आर फर्टिलाइजर्स फ्रॉम हॉपर एट सेलेक्टेड एरिया इज कॉल्ड सीड मेटरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, मीन्स कहने का वही है कि सीड बॉक्स से सीड को सेलेक्ट करके फरो ओपनर्स के बीच में छोड़ने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है, सीड मेटरिंग मैकेनिज्म द्वारा। ठीक है, सीड मेटरिंग मैकेनिज्म में बी ऑफ सेवरल टाइप्स, सीड मेटरिंग मैकेनिज्म बहुत सारे प्रकार के, वो कौन कौन से है, फ्लूटेड फिट टाइप। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, फ्लूटेड फिट टाइप, इट इज अ सीड मेटरिंग डिवाइस विथ एडजस्टेबल फ्लूटेड रोलर टू कलेक्ट एंड डिलीवर द सीड इनटू द सीड ट्यूब्स। इट इज अ सीड मेटरिंग डिवाइस विथ एडजस्टेबल फ्लूटेड रोलर, ठीक है, आर कलेक्टर, कलेक्ट एंड डिलीवर द सीड इनटू द सीड ट्यूब्स। जो हमारे सीड ड्रिल में वो पाइप्स लगे होते हैं उसे सीड ट्यूब्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सीड मेटरिंग डिवाइस विथ एक एडजस्टेबल फ्लूटेड रोलर लगा रहता है इसमें, जो कलेक्ट करता है सीड को और कहाँ पहुँचाता है, सीड ट्यूब्स में, मीन्स जो पाइप लगे रहते हैं। ठीक है, फ्लूटेड फिट टाइप मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूटेड व्हील, इसमें एक फ्लूटेड व्हील लगा रहता है। ठीक है, फीड रोलर लगा रहता है कलेक्ट करने के लिए, फीड कट ऑफ, और जो हमारी सीड लगातार गिर रही है उसको चालू बंद करने के लिए फीड कट ऑफ एंड एडजस्टेबल गेट, और सीड को कम छोड़ना है, ज़्यादा करना है, छोड़ना है उसके लिए एक एडजस्टेबल गेट लगा रहता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स के लिए। ठीक है, मतलब बड़े दाने हैं तो उसे ज़्यादा खुलना पड़ेगा, छोटे दाने हैं तो सीड के छोटे साइज हैं तो उसे कम खुलना पड़ेगा, इसलिए क्या लगा रहता है, एडजस्टेबल गेट। द फीड रोलर एंड द फीड कट ऑफ डिवाइस आर माउंटेड अ शाफ्ट, जो हमारा फीड रोलर और फीड कट ऑफ डिवाइस लगा रहता है वो शाफ्ट पर होता है। ठीक है, रनिंग थ्रू द फीड कप, वो फीड कप के द्वारा चलता है। द रोलर कैरीज ग्रूव्स थ्रू आउट इट्स पेरिफेरी, द रोलर कैरीज ग्रूव्स थ्रू इट्स पेरिफेरी, उसमें जो हमारा रोलर है उसमें क्या लगा बना रहता है, ग्रूव्स बना रहता है। ठीक है, पेरिफेरी टाइप का, इट रोटेस्ट विद द एक्सल ओवर विच इट इज माउंटेड थ्रू द ग्रेन्स आउट ऑन द एडजस्टेबल गेट्स फ्रॉम वेयर इट फॉल इनटू द सीड ट्यूब्स। ठीक है, एक एडजस्टेबल, ठीक है, गेट्स होता है जहां से सीड बॉक्स से एडजस्टेबल गेट से होते हुए हमारे जो सीड है वो सीड ट्यूब में गिरते हैं। ठीक है, द फ्लूटेड रोलर्स विच आर माउंटेड एट द बॉटम ऑफ द सीड बॉक्स, जो हमारा फ्लूटेड रोलर है वो सीड बॉक्स के नीचे लगा रहता है, रिसीव सीड, वो सीड को रिसीव करता है इनटू लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स एंड पास ऑन टू द सीड ट्यूब्स थ्रू द
होल्स प्रोवाइड फॉर दिस पर्पज, ठीक है, जो हमारा रोलर्स में ग्रूव्स बने होते हैं उसमें वो कलेक्ट करता है, ठीक है, जो हमारा रोलर है जो उसमें ग्रूव्स बने हैं उसमें कलेक्ट करता है और वो ट्यूब्स को भेजता है, ठीक है। बाई शिफ्टिंग द फ्लूटेड व्हील साइड वेज द लेंथ ऑफ द ग्रूव्स एक्सपोज टू द सीट कैन बी इंक्रीज आर डिक्रीज एंड हेंस द अमाउंट ऑफ सीड इज कंट्रोलेड, ठीक है। द शिफ्टिंग बाई शिफ्टिंग द फ्लूटेड व्हील साइड्स वे, ठीक है, जो फ्लूटेड व्हील है उसके साइड को शिफ्ट करके द लेंथ ऑफ द ग्रूवर्स एक्सपोज, ठीक है, ग्रूवर्स को लेंथ को क्या करते हैं, खोलते हैं, टू द सीड कैन बी इंक्रीज आर डिक्रीज, सीड को सीड रेट को बढ़ाने या घटाने के लिए, एंड हेंस अमाउंट ऑफ द सीड इज कंट्रोल, और तब सीड जो रेट है, जो सीड रेट है उस अमाउंट को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। ये क्या है हमारा फ्लूटेड टाइप सीड मेटरिंग मैकेनिज्म है। देखिए ये सबसे ऊपर क्या है, सीड बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे सीड्स प्लेस्ड हैं, ठीक है। अब ये सीड क्या होता है, एक ये फीड शाफ्ट है, ठीक है, फीड शाफ्ट है, ये क्या है, सीड ड्रॉप हो रहा है, कहाँ सीड ये ड्रॉप हो रहा है, फरो ओपनर ट्यूब्स के माध्यम से, ये ट्यूब्स है, ठीक है, ये ट्यूब्स के माध्यम से होते हुए फरो ओपनर्स तक आ रहा है, ठीक है, सीड कप सीड ट्यूब में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये फ्लूटेड रोलर है, ठीक है। इस रोलर्स में ग्रूव्स बने हुए हैं, ठीक है, इस ग्रूव्स में ये जो सीड हैं वो आते हैं और इसमें इस ग्रूव्स के बीच में होते हुए सीड ड्रॉप्स हो रहे हैं सीड ट्यूब्स में, ठीक है। और एक और ये डायग्राम है, ये तो फीड शाफ्ट हमने पहले ही बता दिया था, और ये क्या हमारा फ्लूटेड व्हील है, ठीक है। इस ये जो फीड रोलर है इसमें फ्लूटेड रोलर है, इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं, ये क्या है कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, साइज को इंक्रीज या तो डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस सीडिसिंग रेट, रिड्यूस टाइम में क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए जब हमारा रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे ये चीज क्या हो रहा है, जो एडजस्ट करने वाला गेट है, एडजस्टेबल गेट है, मीन्स नियंत्रित करने वाला जो ये दरवाजा की तरह बना हुआ है इसको अंदर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है सीड रेट कम हो जा रहा है, लेकिन जब इसको हम ज़्यादा खोल रहे हैं तो सीड रेट इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। जो हमारा दूसरा है सीड मेटरिंग टाइप मैकेनिज्म, वो क्या है, इंटरनल डबल रन टाइप, ठीक है। इट इज अ सीड मेटरिंग डिवाइस इन विच द फीड विल इच प्रोवाइड विथ फाइन एंड कोर्स रिबेट फ्लैंगेज, ठीक है। यह एक ऐसा सीड मेटरिंग डिवाइस है जिसमें एक फीड व्हील लगा रहता है, कैसा, फाइन एंड कोर्स रिबेट फ्लैंगेज, ठीक है, मीन्स उसमें व्हील में क्या रहते हैं, छेद रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क, इसमें एक डिस्क लगा रहता है, माउंटेड ऑन अ स्पिंडल एंड हाउसेड इन अ केसिंग फिटेड बिलो द सीड बॉक्स, सीड बॉक्स के नीचे ये सारी चीजें फिट रहती हैं। इट हैज डबल फेस्ड व्हील, इसमें क्या रहता है, दो क्या रहता है, दो, इट हैज डबल फिक्स व्हील, ये दो दो साइड वाले व्हील रहते हैं, ठीक है। इंटरनल डबल रन टाइप रोलर वन फेस हैज अ लार्जर ओपनिंग फॉर लार्जर सीड, ठीक है, जिसमें एक फेस रहता है लार्जर सीड के लिए, एंड द अदर फेस हैज स्मॉलर ओपनिंग फॉर स्मॉलर सीड, और जो दूसरा साइड रहता है वो छोटे सीड साइज के लिए रहता है, ठीक है। अ गेट इज प्रोवाइड इन द बॉटम ऑफ द बॉक्स, सीड बॉक्स के नीचे एक एडजस्टेबल गेट लगा होता है, टू कवर द ओपनिंग व्हेन नॉट इज नॉट इन यूज, जो हमारे होल्स लगे रहते हैं उसको, जो दो फेस है हमारे व्हील्स में, अगर जो एक यूज में नहीं है तो उसको ढकने के लिए। द रेट ऑफ सीडिंग इज वेरीड बाई एडजस्टेबल एडजस्टिंग द स्पीड ऑफ द स्पिंडल विच कैरीज द डिस्क, स्पिंडल की मदद से
हम क्या करते हैं, जो डिस्क में हमारा स्पिंडल लगा रहता है उसकी मदद से सीड रेट को हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा डायग्राम है, तो इसमें क्या है, ये देखिए ये जो छेद लगे हुए हैं डिस्क में, ठीक है, ये देखिए छेद लगे हुए हैं बहुत सारे डिस्क में, ठीक है, ये ऐसे रोटेट करते हैं, तो ये जो यहाँ पे हमारा सेलेक्टेड मेटरिंग होल्स है, ये देखिए ये सेलेक्टेड मेटरिंग होल्स है, अब हमारे सीट्स क्या हो गए, यहाँ से गिरेंगे। ठीक है, अगर हम ये इस व्हील को ऐसे घुमा के लाए तो इस व्हील से, इस होल से गिरेंगे, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे होल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज के, ठीक है। और ये देखिए एजिटेटर है, ठीक है, एजिटेटर ये हमारा मेन शाफ्ट में लगा है, जब ये हमारा शाफ्ट रोटेट होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये पूरे जो इसमें सीट्स रहते हैं उसे क्या करता है, कंपनसेशन मोड में कर देता है, मतलब उसको हिलाता रहता है, ठीक है, जिससे क्लॉगिंग नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। क्लॉगिंग मतलब ये जो होल्स है ये बंद नहीं होते हैं। जो हमारा तीसरा है वो कैसा सीट मेटरिंग मैकेनिज्म है, कप फीड मैकेनिज्म। इट इज अ मैकेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ अ कप और स्पून ऑन द पेरीफेरी ऑफ अ वर्टिकल रोटेटिंग डिस्क विच पिक अप द सीट्स फ्रॉम द हॉपर एंड डिलीवर्स देम इन टू द सीट ट्यूब्स। इसमें क्या लगा रहता है, एक पेरीफेरी वर्टिकल रोटेटिंग डिस्क रहता है, उसमें स्पून्स रहते हैं, ठीक है, स्पून्स लगे रहते हैं जो कि हॉपर से सीड को सेलेक्ट करके ट्यूब तक पहुंचाता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीड हॉपर विच हैज टू पार्ट, इसमें दो हॉपर लगे रहते हैं, ठीक है, जिसके इसमें एक हॉपर लगा रहता है जिसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। द अपर वन इज कॉल्ड ग्रैंड बॉक्स, ऊपर वाला जो रहता है उसे ग्रैंड बॉक्स बोलते हैं, एंड लोअर वन इज कॉल्ड फीड बॉक्स, और लोअर वाले को फीड बॉक्स बोलते हैं, जो इसमें हॉपर लगा रहता है वो दो पार्ट में, दो हिस्सों में बटे रहता है, ऊपर वाले को ग्रैंड बॉक्स बोलते हैं, नीचे वाले को फीड बॉक्स बोलते हैं। ये है हमारा डायग्राम, देखिए यहाँ क्या है, जो ये इसमें इस व्हील में क्या है, इस डिस्क में क्या है, स्पून की तरह खांचे बने हुए हैं, अब ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे शटर कप डिस्क लगा हुआ है, ठीक है, ये हॉपर है हमारा, ठीक है, ये दो पार्ट में देखिए डिवाइड है, ऊपर वाले क्या बोलते हैं सीड बॉक्स, और नीचे वाले को फीड बॉक्स, जो इसके नीचे इसे फीड बॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ से सीड को हम शटर कप डिस्क माध्यम से क्या किए, कम ज़्यादा करके सीड को इसमें छोड़ रहे हैं, तो ये स्पून के माध्यम से क्या करेगा, इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इस स्पून में सेलेक्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे रोटेट होके आएगा तो यहाँ पे ट्यूब्स में ये छोड़ेगा, और ट्यूब से ये क्या हो रहा, डिलीवरी ट्यूब्स, ये जो हमारा है डिलीवरी ट्यूब्स, यहाँ से फरो ओपनर्स के बीच में जाके सीट से हमारा गिरेगा, ठीक है। डी हमारा मीन्स चौथा हमारा कौन सा सीड मेटरिंग मैकेनिज्म है, सेल फीड सीड मेटरिंग मैकेनिज्म। इट इज अ मैकेनिज्म इन विच सीड आर कलेक्टेड एंड डिलीवर्ड बाई अ सीरीज ऑफ इक्वली स्पेस्ड सेल्स ऑन द पेरीफेरी ऑफ अ सर्कुलर प्लेट आर व्हील। इसमें एक प्लेट या व्हील लगा रहता है जिसमें क्या होता है, सील के माध्यम से लगातार सीड को फरोपनर्स के बीच में छोड़ा जाता है। और पांचवा हमारा ब्रूस फीड सीड मेटरिंग मैकेनिज्म। इट इज अ मैकेनिज्म इन विच अ रोटेटिंग ब्रश रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ सीड फ्रॉम द हॉपर। इसमें एक रोटेटिंग ब्रश लगा रहता है जो कि कंट्रोल करता, नियंत्रित करता है बीज गिरने की स्थिति को, नियंत्रित करता है हॉपर से, हॉपर से जो बीज गिरता है उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, रोटेटिंग ब्रश के द्वारा, ठीक है। अ नंबर ऑफ बुलक ड्रा प्लांटर्स इन द कंट्री है ब्रश फीड मैकेनिज्म। जो हमारा एनिमल ड्रॉन प्लांटर्स है उसमें कौन से सीड मेटरिंग मैकेनिज्म यूज होता है, ब्रूस फीड, ठीक है। जो हमारा छठा है वो क्या है, आगर फीड सीड मेटरिंग मैकेनिज्म। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिंग मैकेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ एन आगर विच कॉज अ सबस्टेंस टू फ्लो इवनली इन द फील्ड थ्रू अ अपर्चर एट द बेस और ऑन द साइड ऑफ द हॉपर। मैनी ऑफ द फर्टिलाइजर ड्रिल्स ऑफ द कंट्री हैव गॉट आगर फीड मैकेनिज्म।
जो भी हमारे कंट्री में मीन्स देश में फर्टिलाइजर ड्रिल्स यूज होते हैं उसमें आगर फीड सीड मेटरिंग मैकेनिज्म यूज होता है, ठीक है, आगर फीड मेटरिंग मैकेनिज्म यूज होता है, ठीक है। इसमें क्या लगा रहता है, एक आगर जो कि क्या करता है, हॉपर से सीड को फरो ओपनर्स के बीच में डालता है, ठीक है। पिकर्स व्हील सीड मेटरिंग मैकेनिज्म जो हमारा सतवां है वो क्या है, पिकर व्हील सीड मेटरिंग मैकेनिज्म। पिकर मींस एक बीज को सेलेक्ट करके छोड़ना, ठीक है। इट इज अ मैकेनिज्म इन विच अ वर्टिकल प्लेट इज प्रोवाइड विथ रेडिली प्रोजेक्टेड आर्म्स विच ड्रॉप द लार्ज सीड लाइक पोटैटो इन फरो विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल जॉ, ठीक है। ये बड़े बीज के लिए जो हमारा पिकर व्हील सीड मेटरिंग मैकेनिज्म है वो ये बड़े बीज के लिए उपयोग होता है, जैसे कि पोटैटो के लिए, ठीक है। ये आर्म की सहायता से बीज को हॉपर से सेलेक्ट करके क्या करता है, फरों के बीच में छोड़ता है, ठीक है। स्टार व्हील सीड मेटरिंग मैकेनिज्म जो हमारा आठवां है वो क्या है, स्टार व्हील सीड मेटरिंग मैकेनिज्म। इट इज अ फीड मैकेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ अ टूथेड व्हील, इसमें एक व्हील बना रहता है, ठीक है, इस टाइप का जिसमें तीथ लगे रहते हैं, ठीक है, इस टाइप के तीथ बने होंगे, ठीक है। रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड कन्वेइंग द फर्टिलाइजर और सीड थ्रू अ फीड गेट बिलो द स्टार व्हील, ठीक है। इस व्हील के माध्यम से हॉपर से जो ये तीथ बने हुए हैं इसमें से क्या हो रहा है, इस तीथ के माध्यम से हॉपर में से सीड को फरो ओपनर्स के बीच में ड्रॉप करता है, ठीक है। अब क्या आ गया हमारा, जो सीड ड्रिल्स में फीड मेटरिंग मैकेनिज्म में हमने टाइप के बारे में डिस्कस कर लिया, अब सीड ड्रिल्स में एक चीज और था, फरो ओपनर्स, ठीक है, वो भी कई प्रकार के थे तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। फरो ओपनर्स होता क्या है, द फरो ओपनर्स आर प्रोवाइड इन अ सीड ड्रिल टू ओपन अ फरो बिफोर ड्रॉपिंग द सीड्स। फरो ओपनर्स वो चीज़ है जो सीड ड्रिल में लगी रहती है और ये फरो को ओपन करती है सीड के डालने से पहले, सीड छोड़ने से पहले फरो को ओपन करती है, ठीक है। विच फैसिलिटेट द प्लेसमेंट ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर एट डिजायर यूनिफॉर्म डेप्थ एंड स्पेसिंग, जो कि हमें उपलब्ध कराती एक उचित गहराई और उचित दूरी सीड को फरो ओपनर्स के बीच में छोड़ने के लिए, ठीक है। फरो ओपनर्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्लेसिंग द सीड एंड फर्टिलाइजर एट द मॉइस्ट जोन ऑफ द सॉइल। फरो ओपनर्स के माध्यम से हम जो हमारा मॉइस्चर मीन्स नमी वाला मृदा है उसमें हम अपने सीड को और खाद को, अपने सीड को और फर्टिलाइजर को मीन्स बीज को और खाद को उर्वरक को नमी वाले सॉइल तक मत गहराई में जो हमारा नमी है सॉइल में वहाँ तक पहुँचाते हैं, ठीक है, वहाँ पे डालते हैं। टाइप्स ऑफ फरो ओपनर्स, इन जनरल टू मेन टाइप्स ऑफ फरो ओपनर्स यूज विथ फर्टी ड्रिल्स, फर्टिलाइजर या ड्रिल्स में दो मेन प्रकार के फरो ओपनर्स यूज होते हैं, वो कौन कौन से, फर्स्ट वन है रोटेटिंग टाइप ओपनर्स जिसमें सिंगल डिस्क ऑन आर या तो डबल डिस्क टाइप उपयोग होते हैं। जो रोटेटिंग टाइप ओपनर्स है उसमें क्या क्या है, सिंगल डिस्क या डबल डिस्क टाइप्स हैं, ठीक है। और दूसरा है फिक्स टाइप ओपनर, इसमें सॉवेल टाइप या तो सू टाइप ओपनर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले बात करते हैं डिस्क टाइप फरो ओपनर्स के, तो ठीक है, इसमें सिंगल डिस्क टाइप होता है और डबल डिस्क टाइप ओपनर्स होता है। तो सिंगल डिस्क टाइप ओपनर क्या होता है, इट इज अ फरो ओपनर्स कंसिस्टिंग ऑफ वन कॉनकेव डिस्क, इसमें यह एक फरो ओपनर है जिसमें एक कर्व टाइप का एक कॉनकेव मीन्स कर्व टाइप का एक डिस्क लगा है। डिस्क टाइप फरो ओपनर्स आर फाउंड सुटेबल वेयर द प्लांट डेब्रीज और ट्रस मल्चेज आर यूज, जो हमारा डिस्क टाइप फरो ओपनर्स है जहाँ पे हमें जो हमारे मल्चिंग मटेरियल्स है अगर वो फील्ड में है उसे हमें मल्चिंग करना है तो वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। जैसे कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, धान की कटाई हुई है तो क्या हुआ कि बहुत सारे धान के जो वेस्ट पार्ट हैं वो फील्ड में ही पड़े हैं, तो अगर हम
डिश टाइप फरो ओपनर्स का यूज करते हैं तो क्या होगा, वो जो धान के वेस्टेज हैं फील्ड में वो क्या हो जाएंगे, उसी में मल्च हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ के लिए हमारा डिश टाइप फरो ओपनर सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, और डबल डिश टाइप फरो ओपनर्स क्या है, इन डबल डिश टाइप फरो ओपनर्स देयर आर टू फ्लैट डिश, ठीक है, सेट एट एन एंगल टू ईच अदर, इट इज सुटेबल फॉर ट्रसी लैंड। ठीक है, डबल डिश टाइप में दो डिस्क लगे रहते हैं एक उचित एंगल पर, ठीक है, और ये किसके लिए सुटेबल होते हैं, ट्रसी लैंड के लिए। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये सिंगल डिश टाइप फरो ओपनर्स है, ये क्या है डबल डिस्क टाइप फरो ओपनर्स है। अब क्या है दूसरा हमारा जो था फिक्स टाइप फरो ओपनर्स, वो क्या है, उसमें जो मेन था सोवेल टाइप, सोवेल टाइप फरो ओपनर्स आर वाइडली यूज इन सीड ड्रिल्स, जो हमारा सोवेल टाइप फरो ओपनर्स है वो बहुत ज़्यादा उपयोग होता है सीड ड्रिल में। देयर आर थ्री ऑफ द सोवेल इन यूज, दे आर कौन कौन से वो सोवेल्स हैं, रिवर्सिबल सोवेल्स, सिंगल पॉइंट सोवेल एंड लास्ट वन है स्पीयर पॉइंट सोवेल। ठीक है, ये तीन सोवेल हैं जो सोवेल टाइप ओपनर्स में फरो ओपनर्स में उपयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं। सोवेल टाइप ओपनर्स आर बेस्ट सूटेड फॉर स्टोनी आर रूट इन्फेक्टेड फील्ड, जहाँ पे स्टोनी सॉइल होता है वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है ये हमारा। ठीक है, उचित होता है। दीज सोवेल्स आर बोल्टेड टू द फ्लैट आयरन सैंक एट द पॉइंट वेयर बूट्स आर फिटेड विच कैरी द एंड ऑफ द सीड ट्यूब्स। दीज सोवेल्स आर बोल्टेड टू द फ्लैट आयरन सैंक, सैंक में ये क्या रहते हैं सोवेल्स, कसे जाते हैं, ठीक है, बोल्टेड किए जाते हैं, ठीक है, फिक्स किए जाते हैं। वेयर द बूट्स आर फिटेड कैरी द एंड ऑफ द सीड ट्यूब्स, और जहाँ पे सीड ट्यूब खत्म होती है वहाँ पे लगते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट शॉक लोड्स ड्यू टू एब्स्ट्रैक्शन स्प्रिंग्स आर प्रोवाइडेड। जो हमारा सोवेल टाइप फरो ओपनर्स है उसमें क्या है कि कभी कभी एक्स्ट्रा लोड आ जाता है, ठीक है, जब वो ओपन करता है तो कहीं कहीं ज़्यादा हार्डली सॉइल आ गया, ठीक है, या तो कोई स्टोन आ गया बड़ा सा, ठीक है, मतलब पत्थर आ गया तो लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं। ठीक है, इट इज़ ईजी इन कंस्ट्रक्शन, यह बहुत ही ईजिली बनाए जाते हैं और ये सस्ता होते हैं, ईजिली रिपेयरेबल, ठीक है, और ईजिली ये रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन विथ यूजुअल सीड ड्रिल, यह बहुत कॉमन है लगभग सभी सीड ड्रिल में। ठीक है, और जो हमारा सेकेंड नंबर है फिक्स टाइप फॉर ओपनर्स का, वो सू टाइप है। इट वर्क वेल इन ट्रसी सॉइल वेयर द सीड बेड्स आर नॉट स्मूथली प्रिपेयर्ड, यह ट्रसी सॉइल में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है जहाँ पे सीड बेड को स्मूथली तैयार नहीं किया जाता है। दे आर मेड फ्रॉम टू फ्लैट पीसेस ऑफ स्टील, ये दो फ्लैट, ये स्टील के दो फ्लैट पीस से बने होते हैं, वेल्टेड टुगेदर टू फ्रॉम अ कटिंग ईज, इन्हें ऐसा वेल्डिंग किया जाता है कि ये एक कटिंग की तरह काम करे। ठीक है, इट इज स्पेशली सुटेबल फॉर ब्लैक कॉटन सॉइल, और ये ब्लैक कॉटन सॉइल में बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। सू इज मेड ऑफ कार्बन स्टील हैविंग मिनिमम कार्बन कंटेंट, यह उस कार्बन स्टील का बना रहता है जिसमें कम से कम पाँच, जिसमें मिनिमम कार्बन कंटेंट्स ऑफ 5%, जिसमें कम से कम 5% कार्बन रहता है, विथ अ मिनिमम थिकनेस ऑफ 4 mm, कम से कम इसकी थिकनेस कितनी होगी 4 mm। ठीक है, तो ये क्या है हमारे फरो ओपनर्स के डायग्राम है, ये देखिए सिंगल डिश टाइप फरो ओपनर्स है। ठीक है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक ये सिंगल खाली डिस्क लगा हुआ है। ठीक है, जब ये डिस्क फरो को ओपन करता है तो ये ट्यूब लगा रहता है, यहाँ से सीड्स ड्रॉप होते हैं। ठीक है, और ये डबल डिस्क टाइप फरो ओपनर्स है। ठीक है, यह क्या है हमारा हू टाइप्स है फरो ओपनर्स, और ये सू टाइप जो अभी हम लोगों ने पढ़ा सू टाइप्स फरो ओपनर्स है। ठीक है,
शू टाइज फॉर ओपनर दो स्टील के बने रहते हैं और ये ऐसे वेल्ड किए जाते हैं कि ये कटिंग का काम करे, ठीक है। और ये हमारा सॉवेल टाइप है जो बोल्टेड रहता है नीचे सबसे। अब जो हमारा तीसरा इक्विपमेंट है, अभी हमने सीड ड्रिल और सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल्स दो इक्विपमेंट पढ़े हैं सोयाबीन के। अब हमारा जो तीसरा है इक्विपमेंट वो है पोटैटो प्लांटर। पोटैटो प्लांटर होता क्या है, अब हम बात करते हैं। प्लांटिंग इक्विपमेंट्स फॉर कमर्शियल क्रॉप लाइक पोटैटोज वर कंसीडर इसेंशियल ड्यू टू एक्सेसिव लेबर रिक्वायरमेंट इन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लांटिंग। प्लांटिंग इक्विपमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ा, ठीक है, किसके लिए, कमर्शियल क्रॉप जैसे कि आलू, ठीक है, जो हमारा व्यापारिक फसल है जैसे कि आलू, उसमें क्या होता है कि लेबर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसमें लेबर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, कम से कम एक आदमी सीड को आलू को जमीन पे रखेगा, ठीक है, मतलब सीड सोविंग करेगा और एक आदमी क्या करेगा, रो तैयार करेगा, ठीक है, फावड़ा से। तो वर्क डन बहुत, मतलब कि कार्य बहुत धीमा होता है, इसके लिए पोटैटो प्लांटर बनाया गया, ठीक है। अब प्लांटर कंसिस्ट ऑफ, एक प्लांटर में क्या क्या लगा रहता है, पोटैटो प्लांटर में सीड बॉक्स लगा रहता है, फीड मीटरिंग डिवाइस लगा रहता है, नॉक आउट अरेंजमेंट लगा रहता है, कट ऑफ मैकेनिज्म लगा रहता है, फरो ओपनर्स होता है, अदर एसेसरीज। अब पोटैटो प्लांटर हैज सीड हॉपर फॉर ईच रो, जितने भी रो का हमारा पोटैटो प्लांटर रहेगा उस सभी रो के लिए एक अलग से सीड बॉक्स या सीड हॉपर लगा रहेगा, ठीक है। ये क्या है, एनिमल ड्रॉप पोटैटो प्लांटर, मींस बैलों से चलने वाले, जानवर से चलने वाले पोटैटो प्लांटर है ये, ठीक है। ये देखिए दो रो का है तो इसमें दो सीड बॉक्स लगे हैं, दो हॉपर लगे हुए हैं, ठीक है, नंबर एक और नंबर दो, ये दो सीड बॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, सीड एजिटेटर, मींस ये हमेशा सीड बॉक्स को क्या करेगा, कंपन मोड में किया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आदमी क्या है, बैठ जाएगा, ये सीट है बैठने के लिए, ये सपोर्टिंग व्हील दो हैं, ठीक है, ये पूरा एक मेन फ्रेम है, और ये क्या सूट है, ठीक है, सूट मींस जहाँ से सीड जो हमारा ऑगर से होते हुए फरो ओपनर्स के बीच में गिरेगा, ठीक है। ये जानवर से चलने वाला पोटैटो प्लांटर है, ये देखिए इमेज है, ठीक है। अब क्या है, ट्रैक्टर ड्रॉप पोटैटो प्लांटर, ये क्या है, ट्रैक्टर से चलने वाला पोटैटो प्लांटर है, ठीक है। अब क्या है, इसमें आपको दिख रहा है ये ट्रैक्टर से चलता है, ठीक है, इसमें भी सेम चीजें वही हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी सीड बॉक्स है, फरो ओपनर्स है, सीड मेटरिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। राइस, अब जो हमारा चौथा कंपोनेंट है वो राइस ट्रांसप्लांटर है, ठीक है। राइस को क्या होता है, सबसे पहले राइस की नर्सरी तैयार की जाती है, पैडी की क्या होता है, नर्सरी तैयार की जाती है धान की, ठीक है, नर्सरी से फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है कहाँ, मेन फील्ड में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, राइस ट्रांसप्लांटर का, या तो आदमी के द्वारा नर्सरी से मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर ट्रांसप्लांटिंग अ पैडी सीडिंग्स, जो हमारा पैडी की नर्सरी तैयार होती है उसको स्थानांतरित करने के लिए राइस ट्रांसप्लांटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। द यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम, राइस ट्रांसप्लांटर में क्या होता है, एक फ्रेम लगा रहता है, मूवेबल ट्रे लगा रहता है, एंड सीड पिकिंग फिंगर्स लगे रहते हैं, ये तीन मेन पार्ट होते हैं राइस ट्रांसप्लांटर के, ठीक है। मैट टाइप सीडिंग,
मैट टाइप सीडलिंग्स आर प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड ट्रे, जो हमारा मैट पे सीडलिंग तैयार किया जाता है मतलब नर्सरी तैयार की जाती है, वो एक इंक्लाइंड मीन्स झुके हुए ट्रे पे रखा जाता है। व्हेन द फिंगर्स आर पुश्ड डाउनवर्ड दे पिक अप द सीडलिंग्स, जब फिंगर नीचे की तरफ जाएंगे पुश होंगे तो वो सीडलिंग्स में से पैडी को पिकअप करेंगे मतलब लेंगे। एंड प्लेस्ड देन इन द ग्राउंड, और तब ग्राउंड में उसे लगाएंगे स्थानांतरित करेंगे। सीडिंग आर लेफ्ट ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, और सीडिंग क्या होता है रिटर्न स्ट्रोक में होता है, ठीक है। द प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग कैन बी कंट्रोल बाय द ओपनर, प्लांट से प्लांट जो डिस्टेंस है वो ओपनर के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, नियंत्रित किया जाता है। अब क्या आइए मैनली राइस ट्रांसप्लांटर, ठीक है, मीन्स मैनली मीन्स आदमी के द्वारा चलने वाला राइस ट्रांसप्लांटर है, ठीक है। ये क्या है, एक सबसे पहले यहाँ देखिए, एक ये सीडलिंग ट्रे है, मीन्स यहाँ पे जो मैट पे सीडलिंग मीन्स मैट पे जो नर्सरी तैयार होती है वो यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या ये पिक करता है, ठीक है, पाथ ऑफ पिकर, ये देखिए यहाँ से ऐसे जो ये फिंगर्स लगे हैं यहाँ से ये पिक करेगा, ठीक है, ये हैंडल है। ये क्या है, पावर टिलर माउंटेड राइस ट्रांसप्लांटर। अब ये क्या है, पावर से चलने वाला राइस ट्रांसप्लांटर है, सुगर केन प्लांटर, ठीक है, जो हमारा पांचवा कंपोनेंट है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा सुगर केन प्लांटर को, ठीक है। या जो बच्चे 12 में एग्रीकल्चर से हैं वो राइस वो सुगर केन प्लांटर के बारे में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। दिस इज अ ट्रैक्टर माउंटेड सुगर केन प्लांटर विथ अ यूनिक मेटरिंग मैकेनिज्म फॉर प्लांटिंग सुगर केन बर्ड्स डायरेक्टली इनटू द फील्ड। यह ट्रैक्टर से चलने वाला एक प्लांटर है, सुगर प्लांटर है, जो कि खड़े गन्ने को क्या करता है डायरेक्टली फील्ड में बोता है, ठीक है, डायरेक्टली फील्ड में लगाता है, ठीक है। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर सिमुलटेनियस अप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड इन द फील्ड, ये और कार्यों के लिए यूज होता है, जैसे कि फर्टिलाइजिंग करने के लिए, पेस्टिसाइड देने के लिए, हर्बिसाइड देने के लिए खेत में, ठीक है। एनिमल सुगर केन प्लांटर है ये, मतलब कि जानवर से बैल से चलने वाला ये ट्रांसप्लांटर है, जानवर से चलने वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीड बॉक्स है ये दो, ठीक है, इसमें खड़े गन्ने, ठीक है, मतलब जो खड़े गन्ने काट के नहीं, खड़े गन्ने इसमें सेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। और इसका सीड मेटरिंग ऐसा रहता है कि ये जो कहते हैं ना गन्ना तीन आँख वाली लगानी चाहिए, ठीक है, तो ये इसकी सीड मेटरिंग मैकेनिज्म ऐसा रहता है कि तीन आँख ये लगभग काउंट करके हर गन्ने में टुकड़े में ये कटिंग करता है, ठीक है, गिनकर नहीं, इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ये कटिंग करता है। यहाँ पे फर्टिलाइजर कंटेन करते हैं, ठीक है, ये हैंडल है जिसके मदद से हम इसे ऑपरेट करेंगे, और इसमें कुछ बताने लायक चीज नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये है ट्रैक्टर माउंटेड सेमी ऑटोमेटिक सुगर केन प्लांटर, ट्रैक्टर से चलने वाला सेमी ऑटोमेटिक सुगर केन प्लांटर है ये, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे ये जो सीट्स लगे हैं, ये जो बॉक्स दिख रहे हैं दो, ये किस लिए हैं, इसमें फर्टिलाइजर रखा जाता है, और इस पर आदमी बैठ कर, ठीक है, क्या करता है, गन्ने को ऐसे खड़ा करके इसमें छोड़ता है, ठीक है, और जो गन्ना रहता है वो यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सोविंग और प्लांटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में पूरा चीज डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।